खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। जामऊ में आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के सभाकक्ष में पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान पार्टी को जिले में मजबूती देने पर विचार विमर्श हुआ। वहीं दर्जनों लोगों ने दूसरे दलों को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव द्वारा पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कमथरी के प्रधान बिरजू यादव ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वच्छ छवि व उनके समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और हम सब मिलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे और एक बार फिर प्रदेश के मजलूमों व लाचारों की हितैषी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने बिरजू यादव व शिव कुमार राजभर सहित पार्टी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत व अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और बधाइयां देते हुए कहा कि हम सब मिलकर 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के सभा कक्ष में आज मासिक बैठक हो रही थी। मासिक बैठक के बाद हमारे तमाम साथी पार्टी ज्वाइन किए, जिनकी मैं सूची लेकर के आपके सामने रखा हूं। और सूची के अलावा यह सूची तो शिव कुमार राजभर जी के साथ यह 34 लोग हैं, 36 लोग शिव कुमार राजभर जी हमारे सामने खड़े हैं और इनके साथ 36 लोग जो हैं वह पार्टी की सदस्यता है, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाई शिव कुमार राजभर सहित जितने साथी आए हैं, अभी इनका नाम मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद देते हुए इस आशा उम्मीद के साथ आज से आप समाजवादी पार्टी के कारवा के साथ लग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा और समाजवादी पार्टी के नीति रीति से चल करके समाजवादी पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। हमारे बीच में ये भाई बिरजू यादव जी प्रधान कमरवा कमथरी बिरजू यादव जी प्रधान कमथरी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, संघर्षशील साथी हैं, संघर्षों के साथी हैं और आज हमारी समाजवादी पार्टी की सदस्यता अपने तमाम कई साथी इनके साथ हैं, दर्जनों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। इनको और इनके साथ सदस्य ग्रहण करने वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप पार्टी की कार्रवाई जानने की। सभी से एक सवाल हो रहा है कि दूसरी पार्टी छोड़ के समाजवादी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का उद्देश्य कि स्वच्छ छवि अभी है हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का, और बता दें कि आने वाला 2022 में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। मतलब क्या आपको सत्ता की लालच में आ पाए? नहीं, सत्ता की लालच में नहीं आए इस पार्टी में, कम से कम हम संघ पहले से भी जुड़े थे, हमारा दिल दिमाग वही था लेकिन कहीं भाग गए थे, फिर अपने घर में आ गए, घर की वापसी हुई है। तो इस अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? अरे हम कुछ क्या कहना चाहते हैं, अपने पार्टी के सारे कसे के कार्यकर्ताओं को, अपने अध्यक्ष जी को, सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से हम कल से जो हमारी गलती हुई थी अब दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, फिर से ये पार्टी को हम ज्वाइन किए हैं, इस तन मन धन से लग करके इस पार्टी को जिताने का काम किया। बसपा पार्टी में देखा जाता है टिकट पे पैसे मांगने का आरोप लगा है, तो क्या इसकी हकीकत है आप बताइए? हकीकत तो ये लोग बताते हैं, जो लोग कसे टिकट लेने के लिए जाते हैं, जो चाहे एमएलए का टिकट हो, चाहे एमपी का टिकट हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख जिला अध्यक्ष का टिकट हो, लेने के लिए जाते हैं वो लोग अक्सर करके आकर के हम लोगों के बीच में बताया करते हैं कि बिना वहाँ पूंजीपतियों वाला की ही सरकार है, वहाँ जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसे हैं, उन्हीं का बोलबाला है और हमारे जैसे गरीब लोगों का कहाँ से वहाँ कैसे न कोई महत्व है न कोई वजूद है। आप देख रहे हैं कि समाजवादी में आजम खान साहब भी हैं जिनकी क्या स्थिति हो चुकी है, तो क्या आपको कहीं ये भय नहीं सता रहा कि आपने समाजवादी ज्वाइन किया तो भविष्य में आपके साथ बेसमझ सकता है? जो संघर्षशील होता है उसको भय नहीं लगता है, जान लीजिए समाजवादी पार्टी में भय की क्या बात है, वो आज बता दें कि कल आने वाला समय में जो भी मुकदमा कल से द्वेष बस फंसाए गए हैं, जो लोग हमारे नेता फंसाए गए वो वापस कर लिया जाएगा। आज देख लीजिए चाहे योगी के खिलाफ हो, चाहे ये जो मौर्या जी हम कल से ये मौर्या जी उप मुख्यमंत्री हैं, आज उनके खिलाफ भी कल से मुकदमा था वापस कर लिया गया, इसीलिए ये भी आने वाला जो 2022 में जब सरकार बनेगी समाजवादियों की, वो भी जो फर्जी ढंग से मुकदमे में फंसाए गए वो वापस कर लिया जाएगा।
तुम्हारा पूरा परिचय है शिव कुमार राजभर, राजनीतिक बैकग्राउंड आपका क्या है? पहले किस पार्टी में थे और क्या हम सपा को सपा के मजबूत करने के लिए जो है कि हम लोग साथ मिलकर जो है कि अच्छा बसपा छोड़ने का कारण क्या है? बसपा हम नहीं छोड़ेंगे, बसपा हमारे मित्र हैं राजू कुमार गौतम। अच्छा अच्छा, पहले आप किसी पार्टी में थे? नहीं नहीं, किस पार्टी में? सपा को हमने क्यों चुना? सपा को हम इसलिए चुने हैं कि इनकी छवि जो है बढ़िया है और हम लोग इनके साथ रहकर पार्टी का पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो जैसा लोग हैं वो तो कहते हैं गुंडों की पार्टी है। नहीं, गुंडों की पार्टी वो लोग का उकाने के लिए कहने दीजिए, उकाने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, अब किसी का कोई मुंह थोड़ी रुका है। नहीं, भाजपा सत्ताधारी पार्टी, आप चाहते तो भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से आपने इसी को पसंद किया, सपा ही पसंद किया अपने साथियों के साथ, कारण क्या है? कारण ये है कि सपा के साथ हम लोग जो है कि हम लोग देखते हैं कि छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सब एक साथ एकजुट मिलकर काम करते हैं।